विजन एक्सेप्टेड एंड ये मैं ये वीडियो जब बना लो भाई जब एक्सो जीती है भाई एक्सो क्या जीती है। अगर आपने नहीं देखा इसका ई स्पोर्ट्स का तो मैं आपको बताता हूँ। मतलब एक्सो के 163 पॉइंट्स थे एट द स्टार्टिंग ऑफ द डे एंड TSM के थे कुछ 228 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 65 पॉइंट्स का डिफरेंस था। एंड फर्स्ट मैच में TSM ने 10-15 किल्स निकाल लिए थे तो मतलब ये जो डिफरेंस था वो 70-75 पॉइंट्स का हो गया था। बट स्टिल भाई एक्सो ने जो लास्ट के तीन मैचेस में डोमिनेशन दिखाया है एंड जो चिकन निकाला है उसकी वजह से एक्सो जीत चुकी है। एंड आप पॉइंट्स टेबल देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे कि एक्सो एक पॉइंट से जीती है भाई, एक पॉइंट से TSM में। मतलब भाई अनबिलीवेबल चीज़ थी ये, इतनी अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी कि सिड ने अपना खुद रिएक्शन दिया था इस चीज़ के ऊपर। एंड सिड का जो अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन है वो भी आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 17 पॉइंट का लीड था, 4 किल मतलब 21 प्लेसमेंट पॉइंट। नहीं जीत सकता। हार्ड लग। यहाँ पर फेवर में टीम एक्सो के पास एक बेहतरीन मौका रहेगा। नहीं जीत सकता, बट व्हाट अ फकिंग ट्राई। यहाँ पर ग्रेनेड टॉस करते हुए नजर आएंगे VLT के ऊपर प्रेशर पंप। क्या ट्राई किया है वे एक्सो ने, क्या ट्राई किया है। 12 finishes that can happen. आखिरी पुश जैसी क्या कर सकते हैं यहाँ पर। एंड इस चीज़ के रिलेटेड भाई एक्सो के जो टीम मेंबर्स हैं उनकी तरफ से इंस्टाग्राम पर स्टोरीज भी डाली गई है तो वो स्टोरीज भी आपकी स्क्रीन पर ये रही। लग रहा भाई कमबैक अवार्ड भाई, ये भाई मजा आ गया। और क्या तुम लेट्स एक्सो लेट्स गो भाई, 100 पॉइंट्स की लीड थी #1OP का। एंड अब बात करें तुम्हारी नेक्स्ट न्यूज़ को लेकर के जो कि आ रही भैया नियो को लेकर के। सो देखो भाई सीन क्या होता है कि मतलब आज वाले जो मैचेस हुए थे स्काई ई स्पोर्ट्स के उसमें मतलब जो TX एंड जो गॉडले का क्लैश होता है वो 2-3 मैच में हो जाता है। एंड आप सभी को पता होगा यार जो TX एंड गॉडले का क्लैश है वो हर स्काई ई स्पोर्ट्स का जो मैच होता है उसमें कितना ज़्यादा होता है। यानी ये तो Day 4 था बट उससे पहले भी बहुत सारे क्लैशेज हो रहे थे TX एंड गॉडले के बीच में। बट जो आज वाला क्लैश था वहाँ पे क्लाउनी ने 1v3 कर दिया था भैया यहाँ पे हमारे गॉडल को। एंड फिर दूसरा क्लैश भी हुआ था जहाँ पे स्टिल मतलब TX ने एलिमिनेट कर दिया था गॉडल को, जिसके रिलेटेड भैया नियो ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली थी। एंड वो जो स्टोरी डाली थी नियो ने वो विदिन 10 मिनट्स नियो ने अपने इंस्टाग्राम से डिलीट कर ली थी। एंड इसी वजह से यार मैं उस स्टोरी का स्क्रीनशॉट नहीं खींच पाया था क्योंकि ये जो स्टोरी का स्पैम था भैया वो स्काई स्पोर्ट्स की चैट में हो रहा था। तो भाई मैं इंस्टाग्राम पर गया, मैंने नियो की स्टोरी देखी एंड मैं फिर से मतलब स्काई स्पोर्ट्स के जो मैचेस चल रहे थे उसमें रिटर्न कर गया क्योंकि थोड़ा सा मैच इंटेंस टाइप से चल रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद मतलब नियो ने स्टोरी को डिलीट कर दिया था। बट मैं आपको बता देता हूँ स्टोरी में क्या लिखा हुआ था। स्टोरी में लिखा हुआ था कि भैया वक्त वक्त की बात है, ये जो था वो स्टोरी में लिखा हुआ था नियो की। और आप समझ ही सकते हो ये स्टोरी किसकी तरफ फॉरवर्ड करी गई है क्योंकि भाई TX ने ही आज मोस्ट ऑफ द टाइम्स गॉडल को एलिमिनेट किया है आज के मतलब जो मैचेस हुए थे उसमें। तो नियो ने स्टोरी डाली कि वक्त वक्त की बात है। इसका सिंपल कॉन्टेक्स्ट यही है कि आज TX ने हमको मारा है, कल हम TX को मारेंगे। सो इसका सिंपल कॉन्टेक्स्ट यही था। और नियो ने ये स्टोरी विद इन 10 मिनट्स डिलीट कर दी। ये भी एक इंडिकेशन है कि भैया नियो ने मतलब टीम X की तरफ ये स्टोरी को फॉरवर्ड किया था बट डिलीट कर दी क्योंकि ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो। सो इस वाले मैटर पर यार आप क्या सोचते हो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना क्योंकि स्काई स्पोर्ट्स की चैट में ये स्पैम हो रहा था कि TX मतलब टारगेट करती है गॉडल को इसलिए नियो ने ये स्टोरी डाली थी। तो क्या आपको लगता है कि TX टारगेट कर रही है गॉडल को? पर्सनली मेरे को तो नहीं लगता है। सो आप क्या सोचते हो यार मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड अब बात करें दोबारा नेक्स्ट चीज को लेकर जो कि आ रही है भैया बायल को लेकर के। सो आप सभी को पता होगा यार जब बायल किसी गॉडल मेंबर के साथ खेल रही होती है तो उनकी टीम में कोई SATL एंड सोल का प्लेयर नहीं होता है। एंड जब बायल किसी SATL एंड सोल की मेंबर के साथ खेल रही होती है जब उनकी टीम में कोई गॉडल का मेंबर नहीं होता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सब चीज़ें होती है। तो इस चीज़ को लेकर के मतलब पायल के जो चैट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पैम होता है कि भैया सोल एंड गॉडल के बीच में राइवलरी वगैरह है या कुछ फाइट वगैरह है, आप समझ सकते हो। तो इस चीज़ को लेकर यार पायल ने हमारा रिप्लाई दिया था एंड ये चीज़ बोली थी कि कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी या कोई भी राइवलरी वगैरह नहीं है। तो पायल ने क्या कहा वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। आप लोग को एक चीज बोलना है कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि टीम्स के बीच में कुछ ऐसा राइवलरी है या गॉडल है या SATL है या कोई और है उनके बीच में। हम लोग सब अच्छे दोस्त ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसको, मुझे कोई कुछ मना भी नहीं करता किसी के साथ खेलने के लिए। तो नॉर्मल वाला लगा दिया, एग्जिट करें क्या? हाँ एग्जिट कर लो। तो आप लोग भी थोड़ा अपना माइंड चेंज करो और आपके जो भी फेवरेट टीम है आई अंडरस्टैंड, आप सबको सपोर्ट करो। बट ऐसा कुछ नहीं है कि कोई
दोस्त नहीं है या कोई और वाले किसी को खेलने के लिए मना करते हैं, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम और कोई भी और के जो ओनर्स है या फिर उनके मेंबर्स है ना, वो किसी को हेट नहीं करते हैं। जो ये ऑडियंस है ना, वो ही आपस में बनाती है चीजें कि मैं गॉडल के साथ खेल रही हूँ तो मेरे एसेटोल के साथ कोई पंगा हो गया है ऐसा, तो फिर तो मैं ऑर्ग में क्यों हूँ फिर वाले, ऐसा थोड़ी होता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट को लेकर के, जो कि आ रही है भैया जोनाथन को लेकर के। सो जोनाथन ने अपनी कल वाली स्ट्रीम पर अपना एक वॉइस पैक को रिवील किया था, सो वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड ये जो गॉड और वॉर्ड वाला वॉइस पैक है वो BGM में आने वाला है, वो खुद कंफर्म कर दिया भैया जोनाथन ने, तो वो भी क्लिप आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। हैकर अवार्ड, नॉटियर अवार्ड, गॉड अवार्ड, अभी डरो मत, ये सब सुनो सुनो सुनो, अरे ये सब अभी आने वाला है बहुत जल्द। क्या भाई, क्या मतलब कुछ आने वाला है ऐसा? देखो लेट्स गो, ये क्या है अभी जोनाथन भाई, आपकी एक मिनट, आपकी स्क्रीन पे कोई बोल रहा है कि पांडा रियली। एंड बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज को लेकर के, जो कि आ रही भैया लोगों को लेकर के। तो लोगों भैया चैट मॉडरेशन आ चुका है, एंड मतलब जितने भी मतलब हेट कमेंट्स हुए गए वो मतलब जो मॉड्स है उसको डिलीट कर सकते हैं। एंड इस चीज़ पर भैया घातक एंड थग ने रिएक्ट किया है। सो थग ने ये चीज़ लिखा है कि इंडियन स्ट्रीमिंग ऐप लोगो इज ऑल अबाउट इनसेन स्टफ, 2021 हैज बीन अ बैंगर फॉर द एंटायर टीम। एंड उन्होंने वहाँ पे जो नीचे उनका पोस्ट भी डाला हुआ है, एंड जितने भी लोगों के जो मेंबर्स है उनको टैग भी कर रखा है। एंड घातक भाई ने भी भैया सेम रिप्लाई किया है कि भैया कीबोर्ड वॉरियर्स का GG। एंड आप सभी को पता होगा लोगों में बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं तो वहाँ पे ऐसा हेट्स स्पैम होते रहते हैं, आपसे वो नहीं होगा। एंड अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज़ को लेकर के, जो कि आ रही है स्मोकी को लेकर के। सो देखो भाई होता क्या है कि जो अभी निग्मा गैलेक्सी एंड जो ब्लाइंड है उनके ड्रॉप क्लैश वगैरह हो रहे होते हैं, तो उस चक्कर में जो ब्लाइंड के फैंस होते हैं वो निग्मा गैलेक्सी के मेंबर्स को आके बहुत ज़्यादा हेट देते हैं एंड गालियाँ वगैरह लिखते हैं। तो इस चीज़ को लेकर के भैया स्मोकी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाला था जहाँ पे उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भी अटैच किया था, जहाँ पे उन्हें एक बंदा बोल रहा होता है कि भैया जो स्मोकी का F1LS का लाइनअप है वो भी डिसबैंड हो गया, OR के जो ट्रायल्स चल रहे थे वो भी डिनाई हो गए, एंड अभी वो निग्मा गैलेक्सी में है तो उससे भी किक होने वाले, ऐसा लिखा है भैया इस हेटर ने। स्मोकी ने इस चीज़ के बारे में रिप्लाई करते हुए ये चीज़ लिखी कि उनको मतलब एक महीने से 300-400 मैसेज ऐसे ही आ रहे हैं एंड ऐसे स्प्रेड हेट करके आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। एंड उन्होंने फ्रेंडली एडवाइस ये दी है कि जो टॉक्सिक जो है जो ब्लाइंड फैंस जो आ रहे हैं उनके इंस्टाग्राम के पेजेस पे एंड उनके DMs पे, सो मतलब स्मोकी ने ये बोला है ब्लाइंड को कि आपने टॉक्सिक फैंस को भेजना बंद करो। एंड उन्होंने यही चीज़ लिखी है कि भैया अपनी खुद की टीम को सपोर्ट करो एंड ग्रो अप। एंड उन्होंने नीचे ये चीज़ लिखी है कि जो अभी जितने भी उनके ड्रॉप फाइट्स होते हैं ब्लाइंड के साथ वो उसको कम से कम करेंगे। एंड उन्होंने नीचे क्या लिखा है बाकी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो आपका क्या भैया ओपिनियन है स्मोकी और ब्लाइंड के मैटर पर, वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो। एंड अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज़ को लेकर के, जो कि अरे भैया स्काउट को लेकर के। तो स्काउट ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाला है एंड अपनी हेल्थ को अपडेट करा है कि उनको बुखार हो रहा है एंड वो जो स्टीम होती है वो लेनी पड़ रही है। तो स्काउट की स्टोरी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। अब ये होता है सुबह सुबह कब होगा ठीक ये। सो भाई सारे लोग ही बीमार बैठे हुए हैं, मावी भैया भी बीमार है, अभी रॉक्स भैया ने भी कम्युनिटी पोस्ट डाला था एंड अभी स्काउट की भी तबीयत खराब हो रही है। सो होप करते हैं कि भैया ये लोग जल्दी से रिकवर हो जाए। एंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में यार। एंड जब तक ले पीस आउट एंड साइनिंग आउट।